फुल रेस। तो आज ये दूसरा दिन और आप देख सकते हैं कि मैं एक जंगल टाइप के एरिया में हूँ। तो ये है हमारे घर के पीछे का हिस्सा, घर हमारा वो वहाँ पर है, वहाँ से ये मतलब बेलडोर वाले जगह है, फिर ये बाड़ी। बाड़ी में क्या है देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो चीज़ें होती है वो सब मम्मी के थ्रू की जाती है। इसमें सब काम मतलब मम्मी करवाते हैं। इसमें आप देख सकते हो बेहतरीन सीताफल लगा हुआ है, इसका साइज बहुत ही बड़ा है। मुझे पता नहीं कौन सी वैरायटी है पर बहुत अच्छी है। उसके साथ में जाम है, जाम के तीन अलग अलग टाइप के झाड़ है। एक ये है बड़ा जाम, एक ये छोटा जाम मीठा वाला जिसमें वो जो बीजे होते हैं बीज कम होता, एक ये उससे बड़ा जाम पर ये बाद में पकता है लेट। ये जैविक अपनी मेथी हो गई, मेथी नहीं चटनी बोलते हैं इसको, धनिया भी बोलते हैं। ये चीकू, वो चीकू यहाँ पे। अब ये प्याज लगा दिए हैं, ये क्यारी जिसमें मैं चल रहा हूँ, ये लहसुन लगे हुए हैं। सब चीज़ें यहाँ पे घर की है, कोई बाहर से कुछ नहीं लाया हुआ है। ये रोपा लगा हुआ, ये रोपा इधर जाएगा। ये मूली लगी हुई है, ये आलू लगे हुए हैं, सब ट्रायल टेस्टिंग वाले। ये नींबू है, गेंदा है भगवान के लिए। फिर उसके बाद ये अपना वो क्या बोलते हैं उसको, पान, पान लगा हुआ है। अभी पान ठंड में सब गड़बड़ हो गया, नहीं तो बहुत बेहतरीन लगा हुआ था और बहुत चरका भी था। ये आप देख सकते हो ये चोला फली थी जो अब सूख गई है। और ये प्याज की अलग अलग क्यारियाँ लगी हुई है। मिर्च, मिर्च भी घर की जैविक है देख सकते हो लगी हुई है इसमें। सौंफ, सौंफ भी घर की है, ये भी सौंफ भी लगी हुई है। ये पता नहीं कौन सी चीज़ का झाड़ है। लौकी, ऊपर ऊपर पूरी लौकी थी, अब वो सूख गई, उसका सीज़न ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये टमाटर लगे हुए हैं, देसी टमाटर जो कि एड ऑन किए हुए थे। यहाँ पर भिंडी लगी हुई थी, अब भिंडी निकाल दिए, सिर्फ एक ही गोड़ बचा है, उसमें भी दो भिंडी फिलहाल लगी हुई है। ये हो गया भट्टे, पीछे भट्टे लगे हुए हैं, इनमें फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। अब इनकी बारी है हमें खिलाने की, एक बार की सब्जी खा चुके हैं। गिलकी लगी हुई थी, गिलकी अब ख़त्म हो गई है, फिर भी एक गिलकी बची है। और ये पालक, ये मिर्च, ये मिर्च लगी हुई है देख सकते हो आप, जैविक मिर्च है। इसके अंदर सिर्फ राख, मही, मई मतलब और नींबू का थोड़ा सा मिक्स कर देते, उसमें दो चार छः बूंद ऐसा डालते थे। और ये वाला भी बहुत अच्छा वो किया था, काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। अब ठंड तेज़ होने से थोड़ा सा अटैक तेज है इनके ऊपर। ये लगा हुआ था कलेरा, करेला जो भी बोलते हैं, एक करेला लगा हुआ था यहाँ पे पूरा, वो भी हमने खाया है। उसके बाद घर के लिए कपास भी थी, कपास किधर गई। ये टमाटर, ये उसका पौधा है, अभी लग रहा है, हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं इसको, पानी उस पर थोड़ा कम देते हैं। ये क्या बोलते हैं उसको, तरबूज। और ये एक सीताफल इधर, ये कपास लगी हुई थी, कपास के साइड से ये अनार, मतलब अनार भी लगा हुआ है। ये एक ही जगह है जिसमें इतने सारे सामान लगे हुए हैं। अभी मैं एक साइड घूम लिया हूँ, दूसरी साइड का आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये पूरा जैविक है, इसमें कोई केमिकल एड ऑन नहीं किया हुआ है, कोई भी केमिकल नहीं, केमिकल की एक बूंद नहीं आती है इधर। ये है हमारी गिलकी जो अभी भी चल रही है, और इतनी ज़्यादा चलती है कि भैया मैं तो थक गया हूँ खा खा के, और वैसे भी पसंद नहीं आती पर ये रोज़ बन जाती, पर ठीक है घर की है जैविक है। ये बलहर लगी हुई थी, ये इसको फली बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता, शायद चौला फली बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छी लगती है, इसकी सब्ज़ी हमारे यहाँ बनती रहती है और इसकी सब्ज़ी खाना थोड़ा ठीक लगता है। फिर ये एक नया जाम लगाया है, दूसरी प्रकार का बड़ा जाम बोलते हैं इसको, और लाल कलर का निकलेगा अंदर से। ये बलर है,
बल्लर का अब सीज़न स्टार्ट हुआ है, देख सकते हो फूल पूरे आ गए हैं, इसके अंदर पूरा फूल स्टार्ट हुआ है अभी हैं ये बल्लर के बाद। ये एक मैंने खुद ने जाम लेके आया था, तो इसके अंदर ये समस्या आ चुकी है। अभी इसका निदान करने के लिए इसमें स्प्रे डालना पड़ता है, पर मैंने सोचा कि यार अब डाल के क्या करेंगे, यहाँ पे डालना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं। ये बलर लगी हुई है, बलर के बाद ये एक बलर टाइप बन है, इसमें ऐसी फली है, वो चौड़ी फली वाली है बलर ही वो भी। फिर उसके बाद ढंगरी भी लगी हुई थी, ये दूसरी फली का पौधा है, इसका तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, चीकू बता दिया था। और यहाँ पर ये हमारी गाय भैंस का जो भी गोबर वगैरह आता वो यहाँ इकट्ठा होता है। इसके उधर आप देख रहे होंगे वो वहाँ पर, मैं जूम कर देता हूँ, ये यहाँ पर ये पूरा वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, इसका नाम बहुत अच्छा सा, छोटी छोटी आती इतनी बड़ी बड़ी सब्जी खाने के लिए आती है, क्या बोलते हैं, कंदरी नाम बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। अब आप इससे समझ सकते हो कि हमको मतलब कितनी चीज़ें एक ही जरा सी जगह से मिल जाती है। और यहाँ पर बड़े शौक से हमारी मम्मी जी पूरी खेती करवाते हैं इधर की, उनको ही जाता है इसका पूरा क्रेडिट। हमको तो वो बोल देते हैं कि दो लड़के भेज देना, दो भाई भेज देना, तो वो उनको हम यहाँ भेज देते हैं और यहाँ पर ये पूरा काम होते रहता है और इसका फ़ायदा हमारे को मिलते रहता है। A few moments later, मतलब जाली फेंसिंग के बाद तार फेंसिंग का काम हो रहे हो, तो ये टेक्निक नई लगाई है बांधना के लिए। तो एम का ही करो है कि ये छेद है इधर नीचे नीचे, ये छेद उनमें इसको बलबेटा देके लपेटा हुआ, बता दूँगा ये असो लपेटो मारे लिए, और ऊपर ही तार का सेल है ताकि कोई भी लात रखेगा नीचे नहीं कर सके और ऊपर भी नहीं ले जा सके, क्योंकि बाद जगह पर फिक्स रहेगी। और खंबा जो अपना रहता था सीमेंट वाला, उनमें आकड़ी लगी रहती थी, वह आकड़ी उनके जरा दो हथौड़ी सीधी करो तार निकल जाए, इसमें ये तार निकलेगा भी नहीं, ये पूरा लपेटा मार के तार कसा हुआ है। तो यो देखो देखा कितों का ही हो, ये इधर देखो हल्का फुल्का प्याज यहाँ भी आ गया है, जहाँ हमारी जगह बच जाती है वहाँ पर हमारी खेती हो जाती है। चलो अब वीडियो बंद करते हैं, काम पे लगते हैं, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो पिताजी चिल्लाएंगे। ये है हमारे गांव का एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत स्टॉप डैम। स्टॉप डैम का मतलब ये होता है कि पानी रोकने के लिए बनाया गया डैम, और काफ़ी शानदार है ये, मतलब मेरे को यहाँ आके हमेशा ही अच्छा लगता है। और इसके अंदर ये गेट हमको लगवाने पड़ते हैं, और इसकी खासियत ये है कि जब तक ये लगे नहीं रहता है, मतलब अगर ये लगा हुआ नहीं है तो ये कंडीशन रहती है कि हमारे कुएँ वगैरह कहीं का नहीं चलता, और जैसे ही इसको लगा दिया वैसे ही हमारे कुओं का स्रोत बढ़ जाता है। तो हमारे जीवन का मेन आधार ही ये नदी है, इसको हम नर्मदा भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो यही नर्मदा है। फाइनली तार फेंसिंग कंप्लीट, थोड़ा बहुत बंडल बच गया है, अब ओख दूसरी जगह लगाएंगा। मैं बकरी गाय बिल्ड और भैंस उन तो नहीं जाएगी, इंसान तो देखो जाना होगा तो कहीं से भी निकल जाएगा। A few moments later, तो हमारी गाड़ी निकल पड़ी है कुछ काम के लिए। बीते 3 दिन से रोज का प्लान था और आज हम चुपके से गाड़ी निकाल लाए हैं, पिताजी को इस बात की कोई खबर नहीं है, और आज जो काम करेंगे उसकी खबर भी लगेगी जब तक ये काम हो चुका होगा। मैंने पहला वीडियो जब डाला था तभी मेरा मन था कि ये काम मैं करूं, लेकिन क्या है कि अभी तक मौका नहीं मिल पा रहा था, और आज के दिन मौका मिला है तो जल्दी से जल्दी कर दें। दोपहर का टाइम है, इस टाइम गांव में सब लोग घर होते हैं, तो किसी को कोई कानो कान खबर भी होगी। तो चलो देखते हैं खले में चल के कि हम क्या करने वाले हैं। हालांकि वीडियो के उसमें थोड़ा सा हल्का सा एक हिंट दिखा होगा, लेकिन पूरी वीडियो में अभी तक ये हिंट नहीं आया है, अब आके पता चलेगा सामने। चंदन
ये तो भेदभाव हो जाएगा ना भैया, इसको ऐसा करो। कैसा भेदभाव? हाँ या तो ऐसा करो, मेन रोड पे ले चलो उसको, रिवर्स रिवर्स फ्लैट जगह में होना चाहिए ना दोनों को। दोनों कोई चीटिंग नहीं होगी, सब एकदम परफेक्ट काम करेंगे। अरे इतनी आगे भी मत ले जा। देखो भैया, अभी भैया बैठे हैं, इंतज़ार किया जा रहा है एक भैया का, वो आएगा फिर काम किया जाएगा। चलो अब आए जब बात करेंगे, अभी तो बैठे हैं। तो भैया पूरे तैयार होके जा रहे हैं, एक ये है, एक वो है और एक वो है, और एक गाड़ी भी दिख रही है, दिख रही है। इसका मतलब समझ रहे हो कि कुछ कांड होने वाला है। ले चलो, तीनों के लाइन से खड़ो कर दीजिए बस। लो उसको वो लेके गए हैं, अब इसकी को मैं लेके जाता हूँ। अभी टाइम फ्री है, कोई काम नहीं है, तो सोचा यही काम कर लें। जानकारी के लिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ सबको कि कौन कितने एचपी का है। तो ये जो गाड़ी है ये ट्विन स्टेज टर्बो चार्ज, मतलब इसमें डबल टर्बो वाला सिस्टम लगा हुआ और 75 एचपी की पावर है, 75 की है या फिर 80 के लगभग की है, इसमें ये लिखा 80, शायद 80 एचपी का होगा। और HMT 39 एचपी का है, इसको 60 एचपी कैटेगरी में लेते हैं और उसको 55 एचपी का बोला जाता है। तो ये चार मसाले हैं अपने पास, अब थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो भैया जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन दिन से जो प्लान चल रहा था वो यही था, सामने आप देख लो ये तीन ट्रैक्टर खड़े हैं और ये एक जीप खड़ी है, और ये इसमें एक विवेक पटेल है, पटेल फार्मिंग वाले, और उसके साइड से सोनू पटेल है जो कैमरा मैन है, और वो बड़े भैया राम। फुल रेस जान दो, आगे जान दो, एक बार फिर से न्यूट्रल कर दे, आगे ले आगे आगे जान दो, जो खींच दिया HMT को नहीं, HMT का खींच नहीं पाई, वो कारण है इधर जमीन कच्ची नहीं है, फिर भी नहीं खींच पाई उसमें वजन कितना। चलो एक दान और डबल से, दो तीन होका तक, होका तक धुआं अड़ दियो, आग लग गई कहीं? नहीं नहीं सिर्फ धुआं निकला, वैसे भी टायर तो फेंकना ही वाला है, एंड पे ही चल रहा। ओहो एंड पे ही चल रहा, देख नीचे सीन देखो, नीचे वाला एंड पे ही है। हाँ जल्दी घर भेज दो, घर खबर नहीं लगनी चाहिए। पीछे ले थोड़ा सा, रिवर्स ले जाओ रिवर्स। अजी कद्दू बुलेरो के साथ, भैया नी खींच ली गई नी, तो मैं बुलेरो छोड़ कर तो नहीं जाऊंगा फिर, पर नहीं अगर छोड़ कर जाओ तो कल आ जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाएंगे, छोड़ कर जाओ तो कल ही आ जाएगा, अब भी लेके समझ रख ठोकर मार दे। अरे यार बड़ो शरीर यार, कहीं मतलब को नहीं यार,